केसारी जी गए थे, वो शुभंकर जी के उसमें इंटरव्यू में पॉडकास्ट में बोल के आए हैं, जो भी गंद बोल के आए हैं, पता नहीं कौन उनको, फिर पता नहीं मुंह से ऐसे आता कि इनको स्टार कौन बनाया, ये स्टार नहीं होते हैं। वहां से मगरमच्छ के आंसू बहा के आए हैं। फिर एक दिन वो मेरी नजर से गिर गए, और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट कि मेरा मेरी बीबी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीबी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीबी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। और आज उनकी बीबी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पिंटू आर्यन, आपका भाई, और आप देख रहे हैं जोश बिहार। जहाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि जोश बिहार में लगातार मैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज से मिलता जुलता खबर लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को देखने सुनने में अच्छा लगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी भोजपुरी का जो हाल है बेहाल हो चुका है। अगर काजल राघवानी की आपने इस वीडियो को देखिए, काजल राघवानी की जो वीडियो आपने आप लोगों ने देखा है, उस वीडियो से आपको पता चल रहा होगा कि भोजपुरी के सुपर स्टार यानी कि खेसारी लाल यादव का कैरेक्टर किस हद तक है। दोस्तों, मैं बता दूं कि लगातार आप लोगों के साथ मैं वीडियो साझा करते रहूंगा, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए जोश बिहार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। काजल राघवानी का कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर जो खेसारी लाल यादव है लोगों को शोषण करते हैं, और शोषण करके ही उनसे काम निकालते हैं। दोस्तों, शोषण करना यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस हद तक जाना होता है। हालांकि लगातार आप लोगों को इस सारे वीडियोस मैं लेकर आते रहा हूं, लेकिन लगातार इस वीडियो को सुनते हुए आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिए कि किस तरह से हमारे इंडस्ट्रीज़ में लोगों के साथ अत्याचार होते रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के सुपरस्टार काजल राघवानी जी बोली हैं कि खेसारी लाल यादव एक नीच किस्म के इंसान है, और उनके साथ काम करने वाले लोग भी उसी तरह से हैं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में लगातार इन्हीं लोगों का चर्चा होते रहते हैं। ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार और भी क्या क्या नाम रखे गए हैं, उन लोगों का अपने नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि ट्रेंडिंग स्टार का मतलब हो गया खेसारी लाल यादव। और ये लोग अपने स्टारों होने का फ़ायदा उठाते हैं छोटे छोटे बच्चों पे, छोटे छोटे लड़कियों पे। दोस्तों, तो आइए चलिए दोस्तों, सुनते हैं आगे का वीडियो, बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो सबसे पहले आपको जो उस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।